हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन कीमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होता है। तो चलिए मटन कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम 2 तेज़पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इन्हें हम कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में भून लेते हैं और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरे का कलर चेंज नहीं होने देना है। ज़ीरा ऐड करते ही हमें उसमें ऐड कर देना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अभी प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब हमें ऐड कर देना है 2 से 3 बारीक कट की हुई हरी मिर्च। इसे भूनने के बाद हमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देनी है। और जब उसका कच्चापन निकल जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटो। और टमाटो की मैंने प्योरी बना ली है। टमाटो की प्योरी बनाने से ये जल्दी पक जाते हैं। तो इसे भूनने के लिए हमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो इसे हम भून लेते हैं। तो थोड़ी देर भूनने के बाद टमाटो का कच्चापन भी चला गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम्स मटन कीमा। मैंने कीमे को अच्छे तरीके से वॉश करके लिया है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कीमा बना रहे हो तो कीमा वॉश करने का एक अलग टेक्निक रहता है। कीमे को हमें छन्नी से वॉश नहीं करना है। पहले आप एक बर्तन में कीमा लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और कीमे को थोड़ा सा वॉश करिए। और उसी पानी को आपको एक कपड़े पर लेना है और उसे निचोड़ देना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार कर लेना है, तब जाकर ये कीमा अच्छे से वॉश होता है। तो यहाँ पे कीमा टमाटो और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और ये 1 टीस्पून गर्म मसाला ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करना है मतलब हमें इन सारे पाउडर स्पाइसेस को कीमे के साथ भून लेना है। जब ये 2 से 3 मिनट के लिए भून जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब कीमे को हमें पका लेना है। तो उसके लिए हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे। तो अब ये आप देख सकते हो 15 मिनट के बाद कीमा अच्छे से पक चुका है और बीच में मैंने 2 से 3 बार इसे चला भी लिया था। तो अभी इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो लास्ट में हम ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता। तो बस इसे हम 2 मिनट के लिए और पकाते हैं और गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये गर्मा गर्म मटन कीमा रेडी है। आप इसे किसी भी नान, चपाती, भाकरी के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।